जो आगे वाला टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। इस वाले में तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, क्वेश्चन सब सरल ही है। एग्जाम्पल जैसे बताए थे ना, सारे क्वेश्चन बेसिस से अकॉर्डिंग होंगे ना। इसके बाद वाले में तुम्हें क्या पढ़ना है, उन वस्तुओं का क्रमचय जो सभी भिन्न ना हो, है ना। हेडिंग में लिखो, उन वस्तुओं का क्रमचय जो सभी भिन्न ना हो। वस्तुओं का क्रमचय जो सभी भिन्न ना हो, इसके अंदर लिखोगे माना कि एन वस्तुओं, माना कि एन वस्तुएं, माना कि एन वस्तुएं एन अक्षरों से प्रदर्शित की जाती है। एन वस्तुएं एन अक्षरों से प्रदर्शित की जाती है। इनमें से पी वस्तुएं एक ही प्रकार की, इनमें से पी वस्तुएं एक ही प्रकार की ए कॉमा ए डेड डेड डैश हैं। और उसके बाद लिखोगे क्यू वस्तुएं बी कॉमा बी डेड डेड डैश दूसरे प्रकार की हैं। ठीक है, और उसी के बाद कॉमा लगा के स्मॉल आर वस्तुएं सी कॉमा सी तीसरे प्रकार की हैं। स्मॉल आर वस्तुएं सी कॉमा सी डेट डेट डैश तीसरे प्रकार की हैं। और उसके आगे लिखोगे तथा शेष वस्तुएं डी कॉमा ई कॉमा एफ इत्यादि हैं। तब कुल क्रमचयों की संख्या एन का फैक्टोरियल है, एन का फैक्टोरियल है। नीचे लिखोगे एन का फैक्टोरियल बराबर, एन का फैक्टोरियल बराबर स्मॉल एक्स ऑफ पी का फैक्टोरियल, स्मॉल एक्स ऑफ पी, एक्स के साथ पी लिखना उसका फैक्टोरियल, फिर उसी के साथ क्यू लिखना उसका फैक्टोरियल, और उसी के साथ आर लिखना उसका फैक्टोरियल। बुक देख लो, बुक में लिखा हुआ है। हाँ यही वाला, वो वाला लिख लो, और वहां से एक्स का वैल्यू निकालने के बाद उसको डब्बा कर लेना। एक्स का वैल्यू आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। ठीक, और उसके नीचे एक उपप्रमेय लिखी हुई है। उपप्रमेय में देख लो, एन वस्तुएं जिनमें से एम वस्तुएं एक प्रकार की है तथा एन माइनस एम वस्तुएं दूसरे प्रकार की है के क्रमचयों की संख्या एन का फैक्टोरियल बटे एम का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में एन माइनस एम का फैक्टोरियल होगी। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया जो है इस शब्द को लेकर कितने और शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, इंडिया शब्द को, अक्षरों को लेकर कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं। तो इसके सारे के सारे जो अक्षर हैं उनको लेकर और कितने अक्षर, इतने ये जो वर्ड है ये बना सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का ही बना पाओगे नेक्स्ट जो भी बनाओगे, तो 5 का फैक्टोरियल।
ठीक है, टोटल कितने बना सकते हो, तो 5 का फैक्टोरियल ये बना सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या शर्त है कि जो आई और आई है ये दो बार है, तो जो हमारे पास अक्षर जितनी बार होता है, जैसे कि दो बार है आई, तो हम उतनी बार उसका फैक्टोरियल नीचे उसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि मान लो कि ए जो है उसमें स्मॉल ए जो है वो बहुत बार है, जितनी बार होगा वो हम उसके डिवाइड में। मान लो बी है, अगर इधर पे दो और मतलब आई के अलावा भी कोई ऐसा अक्षर होता जो हो अलग से होता, तो फिर हम उसको भी यहाँ नीचे लिखते। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल ऊपर, 2 का फैक्टोरियल नीचे, तो सिर्फ हमें कहाँ तक के गुणा मिलेंगे और आंसर क्या आएगा, तो टोटल 60 ही वर्ड और बना पाओगे इन अक्षरों को लेकर। ठीक है, तो अब से आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम लोगों को ये चीज मिलने वाली है कि इधर पर रिपीटेशन मिलेगा किसी ना किसी वर्ड का, तो उस रिपीटेशन को कैसे हटाना है वो डिवाइड लगा के, कि जहां पे वो दो एक साथ आ रहे होंगे उसको उसमें से पूरे में से हटाना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन तुम्हें करना है, एम ए टी एच ई, मैथ और मैटिक, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को तुम्हें लेना है और इससे और कितने वर्ड, कितने और शब्द बना सकते हो एक साथ लेकर, कितने क्रम से बनाए जा सकते हैं, उनमें से कितने में स्वर एक साथ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें इसका क्या आंसर निकालना है, पहले तो कितने प्रकार से, और उसके बाद फिर स्वर वाले बाद में, तो पहले तो ये बता दो कितने प्रकार से निकाल सकते, उसके बाद अपन फिर देखेंगे कि स्वर वाला नंबर कितना आने वाला है। ठीक है, पहले आंसर बताना है इसका, है ना, कितने हैं, एक ए है और उसके बाद फिर ई है, फिर ए है और आई है, ऐसे करके टोटल 4 है, और इन चारों में भी ए कितनी बार है, 2 बार है। तो हमारे पास देखो मैथमेटिक्स के टोटल बच कितने रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तो ये हो गए, 7 प्लेस तो ये हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लेस तो ये हो गए, एक प्लेस इकट्ठा बना देते हैं, है ना, एक प्लेस इकट्ठा, क्योंकि उन चारों को कैसा करना है, एक साथ ही रखना है, तो इसलिए उनका प्लेस एक साथ, और उन चारों को अपनी ही जगह पे रखने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो उन अपनी जगह पे उनको खुद को रखने के कितने हो जाएंगे, 5 का फैक्टोरियल, और उस 5 के फैक्टोरियल में से हमें हटाना पड़ेगा किसको, क्योंकि यहाँ पे एक इतनी बार आ रहा है टोटल, तो 5 का फैक्टोरियल बटा 2, अच्छा एक, अच्छा ये एम गलत लगा दिया, 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, और उसमें ए जो है वो 2 बार है, इसलिए यहाँ से 2 हटा दोगे तो 4 दिया कितना आ जाएगा, 12, तो यहाँ से तो आ गया तुम्हारे पास कितना, 12, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 12 आ गया, 12 के अलावा इस प्लेस पे टोटल कितने नंबर रख सकते हैं, 7, है ना, और 7 में भी एक चीज है कि इस ये जो 8वां क्रम वाला है इसको इनमें से कहीं पर भी रख सकते हैं, है ना, तो 8 प्रकार से तो उस इनको सबको किसके इनके बीच में रख सकते हैं, है ना, और टोटल इन इस प्लेस पे रखने के लिए टोटल कितने वो हैं हमारे पास, या एक काम कर लो, 12 तो ये आ गया, 8 के फैक्टोरियल में गुणा कर लो किसका, 12 का, एक बार देख लेते हैं, 8 का फैक्टोरियल तो यहाँ से आएगा, देखो टोटल 7 ये है, 8वां ये अकेला एक प्लेस पे पूरे सबको मान लिया, तो उस अकेले को इनके बीच में कहीं पर भी रख सकते हो इधर से लेके उधर तक, तो 8 का फैक्टोरियल तो ये हो गया टोटल, कि 8 के फैक्टोरियल में 7 तो ये नंबर है, 7 तो ये अक्षर है, 8वां ये पूरा का पूरा एक है, और उन सबको एक साथ रखने के तरीके हो जाएंगे 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, उस 8 के फैक्टोरियल में से हटा दे रहे हैं किसको, 2 बार, एक बार एम आ रहा है तो ये 2 बार आ रहा है, तो एक बार इसको हटा दिया, और एक बार ए आ रहा है इसको भी हटा दिया, और अच्छा टी, हाँ ठीक है, टी एक बार, 2 बार एम आ रहा है, 2 बार टी आ रहा है, तो इन दोनों को हटा दिया, तो यहाँ से सिर्फ ये इनका आ जाएगा आंसर, तो कितना, 2 का 2 दूनी 4, 4 हटाओगे, और 4 एक बार इसमें आएगा, मतलब 8, 7, 6, 5 और 3 और 2, इनका मल्टीपल टोटल आने वाला है
देखो एक तो आ गया ये 12, 12 कैसे आया ये समझ में आ गया, एक आएगा 8 का फैक्टोरियल और उस 8 के फैक्टोरियल में भी m दो बार है और t दो बार है, तो ये हम हटा देंगे, तो ये इधर से एक आंसर आएगा उधर से एक आंसर आएगा, दोनों का मल्टीपल करना है या ऐड करना है, दोनों का मल्टीपल करना है क्योंकि एक ही वर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए दोनों का मल्टीपल। तो सबसे पहले तो ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं, ये 8 टोटल यहाँ पे 7 प्लेस रहेंगे, 7 प्लेसेस पे आप बिना बॉबल्स वाला जितने भी अक्षर हैं एम टी एच इनसे मिलाकर टोटल 7 प्लेसेस पे इन सबको रिप्लेस कर सकते हो। 8वां प्लेस जो होगा वो पूरे के पूरे किसका होगा, पूरे के पूरे स्वर का होगा और स्वर को एक पूरा प्लेस मान सकते हैं, तो टोटल 8 हमारे पास प्लेसेस बनेंगे, उन 8 प्लेसेस को एक साथ बनाने का तरीका हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। उस 8 के फैक्टोरियल में अभी हम लोग इन स्वर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारे पास व्यंजन है एम एच टी इनकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 8 का फैक्टोरियल लिखा है और उसमें से जो नीचे से अलग किए हैं वो सिर्फ व्यंजन वाले किए हैं। फिर उस अकेले एक प्लेस की बात कर लेंगे, उस अकेले एक प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4 हैं और उन 4 में से भी 2 बार ए आ रहा है तो उसको हमने हटा दिया, तो आंसर कितना आया वहां से, तो अकेले इस एक प्लेस के लिए जमाने के तरीके आ गए 12 और उस एक प्लेस को लेकर पूरे वर्ड को बनाने के तरीके हो गए 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10008। कितना आ रहा है, 10 80 10 80 आ रहा है, 1 2 3 4 5 10080 और उसके बाद आ रहा है 12, ठीक है ये वाला, तो आंसर आ जाएगा जो भी वहां पे लिखा हुआ है 12960। तो समझ में आया नहीं आया, नहीं आया अभी, चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले तो इन्होंने बोला है तुमको स्वरों को कैसे रखना है, एक साथ रखना है, तो इसका मतलब है कि टोटल वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैसे तो 11 है लेकिन इन 11 में से स्वरों को हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। उन्होंने बोला है स्वरों को कैसे रखना है, एक साथ, तो उसका मतलब है कंफर्म उनकी जो जगह रहेगी वो एक ही जगह पे सारे एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि सभी को साथ में रखना है तो वो फिक्स हो गए कि एक ही जगह मान सकते हैं। अब उस एक जगह पर उन स्वरों को रखने के तरीके निकाल लेंगे, उस अकेली एक जगह पर, एक्चुअल में वो जगह एक नहीं है, है तो 4 लेकिन हमें एक मान लेते हैं, और अगर 4 मान भी लोगे तो तुम्हारे लिए तो पूरे के पूरे सेंट पूरे के पूरे वर्ल्ड में इन चारों को एक ही साथ रखना है, तो उनका प्लेस तो फिक्स हो गया कि एक ही जगह पर रखोगे, बस इन चारों को ये देख लो कि कितने तरीके से रख सकते हो, तो इन चारों को कितने तरीके से रख सकते हो, 4 का फैक्टोरियल है ना, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 तरीके से रख सकते हो। अब उसमें से हटाना पड़ेगा किसको, 2 बार ए आ रहा है, एक बार इधर एक बार इधर, तो जो हमारे स्वर हैं उनमें ए कितनी बार आ रहा है, तो ये हो गया कंप्लीट, इस प्लेस को कंप्लीट कर दिया तुम लोगों ने। अब तुम्हारे पास ये 7 जगह हैं, इन 7 जगह में ये 8वीं जगह कौन बनाएगा, ये जिसमें ये चारों स्वर एक साथ होंगे, अब इन चारों स्वरों को एक साथ लेकर इस पूरे में कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है, ये नहीं बोला कि पीछे ही रखना है या आगे रखना है, उन्होंने बोला कहीं पर भी रखो, बस क्या होना चाहिए, चारों एक साथ आने चाहिए, तो यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ इनके बीच में, इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, तो टोटल ऐसे करके 7 प्लेसेस तो तुम्हारे पास इन व्यंजन के हो गए, 8वां प्लेस किसका हो गया, स्वर का, और उन सभी को मिलाकर कितने वर्ड बना सकते हो, तो 8 का फैक्टोरियल कितने बना सकते हो, उसमें से हटाना पड़ेगा किसको, एम दो बार आ रहा है और टी दो बार आ रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसमें से हटा दिया, तो 8 के फैक्टोरियल को लेकर टोटल इतने बना सकते हैं, उस एक प्लेस जिसको हमने 4 स्वरों को एक साथ माना है उसको लेकर इतने बना सकते हैं, और दोनों को मिलाकर कितने बन जाएंगे टोटल, 12960। ठीक है, आया भी नहीं आया, हिंदी जो है वो बुक से ही लिखते चलो, ठीक है, यहां से मैं समझाता चल रहा हूँ, तुम हिंदी बुक से लिखते चलो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है 10 लाख से बड़ी कितनी संख्या है, 2, 3, 0, 3, अब ये सारे के सारे वर्ड में तुम देख रहे हो, अभी तक जो आते थे ना नंबर, वो नंबर में रिपीट नहीं होता था कुछ भी, लेकिन इनमें रिपीट होने स्टार्ट हो गए, है ना,
और रिपीट में भी कितनी कितनी बार, 10 लाख से बड़ी बनाना है, 2 3 0, 2 3, फिर उसके बाद 0, फिर 3, और उसके बाद 4 2 3, फिर 4, फिर उसके बाद 2, और उसके बाद 3, और ये एग्जाम्पल नंबर है 5वां। इनके अक्षरों को लेकर कितने 10 लाख से बड़ी अंकों की संख्या बना सकते हो? देखो 10 लाख से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, टोटल कितने 7 आ रहे हैं, 2 4 5 6 7, है ना, मतलब 7 अंकों की बननी चाहिए। अब इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या में हम लोग देखो जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ पे, बाकी बन तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा होगा तुमको, है ना, और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इन 6 में से, इन 6 में से ये जो पहला प्लेस है उस पर कोई भी अंक रख सकते हो, क्योंकि वो 2 है, 1 तो है नहीं, तो 2 मतलब सब बड़े ही हैं, 10 लाख से बड़े ही आएंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे टोटल कितने नंबर रख सकते हो, 6 में से कोई भी एक अंक रख लो, वो हमेशा 10 लाख से बड़ा ही होगा। उसके बाद तुम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो सेकेंड वाले प्लेस पे, इसमें भी 6, है ना। देन उसके बाद 5 4 3 2, 2 तक जाएगी, 1 आने की बात नहीं होगी कि 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7वां प्लेस भी आएगा, ठीक। तो ये तो हो जाएगी तुम्हारे पास टोटल क्रमचयों की संख्या जिसमें तुम 10 लाख से बड़े अंक बना रहे हो, ठीक। इसमें से हटाना पड़ेगा किसको, 2 कितनी बार आ रहे हैं टोटल, 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है टोटल, 3 बार। तो इसका मतलब अब देखो ऐसा नहीं है कि 2 और 3 आ रहे हैं इसलिए 2 और 3 लिख रहे हैं, ये 2 का मतलब है कि कोई एक अक्षर है जो कितनी बार आ रहा है, और कोई एक अक्षर है जो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ वो ऐसा नहीं है कि ये 3 3 बार आ रहा है इसलिए 3 लिख रहे हैं, ये अक्षरों की वजह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनकेस यहाँ पे 4 2 बार आ रहा होता तो यहाँ पे 2 ही लिखते, है ना, 4 नहीं लिखते। तो यहाँ पे ये 2 और ये 3, ये टोटल 2 आ रहे हैं 2 बार, 3 आ रहे हैं 3 बार, इसलिए 2 और 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो एक बार 2 हटाओगे, एक बार 3 से 3, और ये 4 का 1 2, है ना, ये हटा दोगे कंप्लीट। अब 6 का गुणा 6 में करना है, गुणा 5 में करना है, गुणा 4 में ना करके सिर्फ किस में करना है, 2 में, 6 6 36, या 6 5 30, 30 का गुणा इसमें 6 3 18, 180, और उसका गुणा 2 में मतलब 18 2 36, 360, 360 है ना फाइनल आंसर, 360। अब उसको तुम्हें करना कैसे है, तो क्रमचयों की कुल संख्या, ठीक, जिसमें कि 7 लाख में 7 आएंगे और उसमें नंबर आ रहे हैं 2 और 3, उनको इंक्लूड कर लिया, फिर बाद में उन्होंने 0 वाले नंबर हटा दिए जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, है ना। टोटल देखो 7 ही थे, तो उन्होंने क्या किया, टोटल 7 से बनने वाले अक्षरों, 7 अक्षरों से बनने वाले जितने भी नंबर हो सकते हैं वो देख लिए, ठीक है। अब 10 लाख होंगे, 10 लाख से बड़े हैं छोटे उनको कोई मतलब नहीं है, उनने सिर्फ क्या किया, पहले इन 7 नंबरों से बनने वाले जितने भी नंबर होंगे वो निकाल लिए, टोटल कितने आ रहे हैं, 420। उन 420 में से कितने माइनस कर दिए, जिसमें आगे 0 स्टार्ट हो रहा है ना, जितने भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने आ रहे हैं टोटल, 60, उनको क्या कर दिया उसमें से, माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 360। अगर तुम्हें इस मेथड से करना है तो तुम इससे कर सकते हो कि पहला वाला जो प्रथम स्थान है वहां पे हम 0 को छोड़कर बाकी के 6 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, क्योंकि 60 कहां से, किसका 60, इसमें दिया ना 60, अच्छा वो 60 में क्या बता रहा हूँ, जो जिस प्लेस पे स्टार्ट में 0 आ रहा है वो वाला प्लेस हटा रहे हैं, पहला प्लेस है यहाँ पे 0, इस 0 को यहाँ से हटा रहे हैं, तो वो 60 जो है उन वो नंबर आ रहे हैं जिसमें कि हम 0 को हटा रहे हैं। देखो टोटल फर्स्ट वाला जो प्लेस है वहां पे कितने नंबर रख पा रहे हो, 6 नंबर, 0 को हटाना है, इसका मतलब 0 को वहां पे नहीं रख सकते, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 0 नहीं रख सकते वो कितनी होंगी, तो देखो फर्स्ट प्लेस पे मैंने मान लिया 0, मतलब वो फिक्स हो गया, बाकी के 6 प्लेस बचे, तो उन 6 प्लेस पे क्या रख सकते हो, 6 5 4 3 2 1, इन 6 प्लेस में से किसको माइनस कर दोगे, 2 को और 3 को, आ जाएगा 60 यहाँ से, है ना। फर्स्ट वाला जो स्थान है उसको फिक्स कर दिया, किसके साथ, 0 के साथ, तो बाकी के 6 प्लेसेस पे ये 6 नंबर रख सकते हो, और उसमें से हटा दोगे 2 आ रहा है 2 बार और 3 आ रहा है 3 बार, तो उनको हटा दोगे, 60 आ जाएगा यहाँ से, 60 आ जाएगा,
और सात वाले सात को लेकर बनाओगे तो सात का फैक्टोरियल उसमें से दो और तीन को हटा दोगे तो वहां से 420 आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, यहाँ से 420 आ जाएगा, दोनों में से माइनस कर दोगे क्योंकि जीरो वाले लेना नहीं है, 10 लाख से बड़े ही लेना है, आंसर आ जाएगा 360। ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा 360। वो रफ में कर लेंगे? हाँ, जैसे जैसे करना, इसीलिए मैं समझाते चल रहा हूँ, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखो, तुमको तुम्हारे पास ऑप्शन है इस वाले चैप्टर में तो अच्छा खासा ऑप्शन है, जैसी मर्जी आए वैसे करो, आंसर आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 12, 5 पुरुष 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठ सकती हैं, इस प्रकार कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं? तो टोटल लोग कितने हैं? 9, और इन 9 लोगों में से महिलाओं को हमेशा किस स्थान पर बिठाना है? सम वाली जगह पे। तो ठीक है, मतलब 9 डब्बे बनाने की बजाय मैं बना दे रहा हूँ लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? एग्जाम्पल नंबर है ये 12, है ना, एग्जाम्पल नंबर है 12, और इसमें हम लोगों के पास 9 टोटल स्थान है, और इन 9 स्थान में हमें किसको बिठाना है? महिलाओं को सम स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम स्थान पे बिठाना है। तो सम मतलब 2, उसके बाद ये 4 नंबर वाला प्लेस, फिर 6 नंबर वाला प्लेस, और उसके बाद 8 नंबर वाला प्लेस। इन 8 जगहों पर बिठाने के लिए हमारे पास टोटल कितनी महिलाएं हैं? 4 महिलाएं हैं, तो आप यहाँ पे 4 में से किसी एक को ही बिठा सकते हो, यहाँ पे आप 3 में से ही किसी एक को, यहाँ पे 2 में से किसी एक को, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, अब जो बच रहे हैं कौन से? विषम वाले स्थान। कितने बच रहे हैं? 5 ही बचेंगे, तो उन 5 स्थानों पे बिठा सकते हो 5, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और 1। ठीक है, तो इन सब का मल्टीपल निकाल लेना, है ना, जो भी इनका मल्टीपल आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसमें कुछ हटाना तो बिल्कुल कुछ नहीं हटाना है, है ना, क्योंकि महिला और पुरुष में 2 एक जैसे तो हो नहीं सकते कभी, तो इसका जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। अब आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 4 चौको 16, इसको मत करो, 5 चौको 20 करो, 20 चौको 80 करो, 8 3 24 और 24 3 72, 72 का गुणा 4 में, 72 मतलब 720 आ रहा है, और 4 का गुणा करोगे 0 8 7 चौको 28, 2880। ठीक है, आगे आंसर 2880। अब तुमको इसको किसके किस हिसाब से करना है वो मतलब लिखा हुआ है, पहले पुरुष का अलग निकाल लिया है उन लोगों ने, महिलाओं का अलग निकाल लिया है, फिर दोनों का मल्टीपल कर लिया है, आंसर आ जाएगा 2880। जल्दी से उसको नोट डाउन करो, एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन।